हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम हियर मैथ 24x7 चैनल। टुडेज टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लास 8th, चैप्टर 6th, वर्कशीट 4। इससे पहले वाली वीडियो में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखा। आज की जो वर्कशीट है इसमें है ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। ग्रोथ इज पॉपुलेशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ए मशीनरी, इस टाइप के क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 ईयर्स इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 12,500। ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सेम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इक्वल टू 12,500, और ये जो हमारे पास पी का रोल करेगा, ये पी का काम करेगा, पी, तो ब्रैकेट में मैंने इसको पी लिख दिया। रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि इंक्रीजिंग है ये, तो यहाँ लिखेंगे हम रेट ऑफ इंक्रीजिंग इक्वल टू 8% पर एनम, ये इसमें रेट होगी। एंड टाइम इज, टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स, देयरफॉर पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि जो अमाउंट का फार्मूला था वो लग जाएगा इसमें कि पी इंटू 1 + r/100 रेज टू पावर टी। इंक्रीज जब यहाँ पर वर्ड आएगा तो इंक्रीज आएगा तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और जब डिक्रीज आएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है। तो पी की वैल्यू क्या रखी है, 12,500 इंटू 1 + 8/100 रेज टू पावर टू, सेम वही रूल, 4 से कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, 2 और नीचे 25, एलसीएम लेंगे अब इसका, ये हो जाएगा 12,500 इंटू, ये जब 25 वन टाइम 25 टू 27 अपॉन में 25 हो जाएगा, और 25 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। आप बड़ी से बड़ी टेबल से इसको कट करना सीखे, 2 जीरो तो एजिटी जा जाएंगे, 25 5 जा, ये हो जाएगा 25 से ये 2 पे 50 हो जाएगा, 25 2 = 50, 0 एजिटीज लग जाएगी। अब 27 को 27 से मल्टीपल आपको याद है कि 27 स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 729, और इसको 20 से मल्टीपल करना है, 20 से मल्टीपल करेंगे तो 0 तो एजिटीज लगा दो, और इसको 2 से मल्टीपल कर दो, 2 9 = 18, 2 2 = 4 और 1 5, 2 7 = 14, यानी कि 14,580 आ गई। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू 14,580, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 3 ईयर्स एगो द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 50,000। इफ़ द एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग 3 successive years वॉज एट द रेट ऑफ 4%, 5% and 4% पर एनम रेस्पेक्टली, फाइंड प्रेजेंट पॉपुलेशन। यानी कि 3 ईयर्स एगो एगो पॉपुलेशन ऑफ ऑफ टाउन इक्वल टू 50,000, ये क्या होगा, ये 50,000, यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर, और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे R1, और इसको लिखा हमने P, इसको R1 लिखा, और ये दे रखिए 4% पर एनम, ये दे रखा 4% पर एनम। और अब जो है सेकंड ईयर की, रेट ऑफ इंक्रीज इन सेकंड ईयर, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे R2, ये होगी 5% पर एनम। रेट ऑफ इंक्रीज इन थर्ड ईयर, तीनों ईयर जो है
जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए हमने इंक्रीज वर्ड लिखा है यहाँ पे। और इंक्रीज हो रही है तो जो फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। देयरफॉर प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू पी इंटू 1+R1/100, क्योंकि तीनों रेट जो हैं अलग अलग हैं और एक ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए ये रेट है इसलिए टाइम यहाँ पर वन आ जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए ये है इसलिए यहाँ पर टाइम वन आ जाएगा, और थर्ड ईयर के लिए हमारे पास रेट जो अलग हैं तो उसके लिए भी वन आ जाएगा। और इसको लिखेंगे नहीं हम, तो अब वैल्यू पुट कर देंगे। प्रेजेंट 50,000 पी की वैल्यू, 1+R1 R1 इज 4/100 +R2 R2 इज 5/100 +R3 R3 इज 4/100। सभी रूल वही जैसे आप पहले करते आए हैं। 4 से इसको कट करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 5 से इसको कट किया ये 20 आ जाएगा, 4 से इसको कट किया 25 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेकर के इसको लिखेंगे, 50,000 इंटू 25 वन और प्लस 1 26/25, ये 20 बन जाए 20 प्लस 1 21/20 इंटू ये 26/25। इसको एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल कर देंगे हम, 25 वन टाइम और ये 25 टू ज़ा 50 और दो जीरो एज इट इज लग जाएंगे। 25 से ये 8 पे कैंसिल हो जाएगा, 25 8 ज़ा 200 होते हैं, 2 से ये 1 हो जाएगा, 2 से ये 4 हो गया। अब बड़ी से बड़ी मल्टीपल से इसको कैंसिल करें। अब पहले 26 को 26 से मल्टीपल करेंगे तो ये 26 केयर आपको पता 676 होता है, और 21 को 4 से मल्टीपल कर लो, 21 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 84। अब इन दोनों की 676 और 84 की मल्टीपल कर लो आप। इस तरह से हम जो अपने मल्टीपल को इजी कर सकते हैं इसको पेयर में बना करके, देखो 26 को 26 से मल्टीपल किया 676 आ गया, 21 को 4 से मल्टीपल किया 84 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीपल कर दो तो 4 की टेबल से 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 और 2 30, 4 6 जा 24 और 3 27, एक क्रॉस लग गया। 8 की प्रोडक्ट कर दो, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 7 जा 56 और 4 60 6 कैरी, 8 6 जा 48 और 6 54, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 8 7 6 5, और इसको जो है क्लाउड में रख दो, ये हो जाएगा 56,784। और यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इक्वल टू 56,784 आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मधु बोट ए हाउस फॉर ₹1,31,25,000। इफ इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स सेल प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइस ऑफ हाउस इक्वल टू ₹1,31,25,000, और यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू 10% पर एनम, और टाइम इज 3 ईयर्स। देयरफॉर प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स, प्राइस ऑफ हाउस आफ्टर 3 ईयर्स इक्वल टू पी इंटू, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन है और तीनों साल जो रेट है डेप्रिसिएशन की वो सेम है, इसलिए इसको 1-R/100 लिखेंगे, 1-R/100 क्योंकि तीनों साल की जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो सेम है, तो सेम होने की वजह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 3 बार लिखा था उसको, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, तो 1-10/100 इसको इकट्ठा लिख देंगे। अब कैंसिल हो रहा है 0 से 0, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया,
और एलसीएम लेने के बाद ही हमारे पास बच जाएगा 1,31,25,000 इंटू, ये 1 माइनस 1/10 है, तो 1 माइनस 1/10 है तो 10 इंटू 1 10, माइनस वन 9, तो 9/10 आ जाएगा। और ये 3 एक्सपोनेंट कितना है, ये 3, तो इसको 3 टाइम लिख देंगे हम, 3 9/10, 9/10, 1 2 3 टाइम। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 0, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब आपको 9 इंटू 9 इंटू 9, ये प्रोडक्ट पड़ता है, ये प्रोडक्ट होती है 729, और ये 1, इसको अब यहाँ पर लिखेंगे 13125, और अब इसकी जो है आप मल्टीपल कर दो। इसकी जो मल्टीपल आएगी वो मैं डायरेक्ट लिखी है मैंने, ये हो जाएगी 95,68,125, इसकी मल्टीपल ही आ जाएगी, और इसकी जो प्रोडक्ट करोगे आप उसको क्राउड में डाल देना। तो अब लास्ट में हम लिखेंगे कि देयर फोर, ये देयर फोर का सिंबल था ये ऐसे, देयर फोर प्राइस ऑफ हाउस आफ्टर 3 ईयर्स इक्वल टू रुपीज़ 95,68,125, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म वर ₹72,000 इन द ईयर 2014, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स इट इंक्रीज्ड बाई 7% एंड इट डिक्रीज्ड बाई 5% इन द फॉलोइंग ईयर, वट आर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर 2 ईयर। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इन 2014, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट इन द ईयर 2014 इक्वल टू रुपीज़ 72,000, ये पी की वैल्यू होगी। तो फर्स्ट ईयर जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर इक्वल टू 7% पर एनम, और अगले साल जो ये रेट जो है डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ डिक्रीज इन सेकंड ईयर, ये होगी है 5% पर एनम, और टाइम हमारे को कितना दिया है 2 ईयर। तो व्हाट वर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर 2 ईयर, तो यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे देयर फोर प्रॉफिट ऑफ फर्म आफ्टर 2 ईयर। तो फार्मूला बनाएंगे, तो पी इंटू, फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हो रही है तो इसलिए प्लस लग जाएगा, आर वन अपॉन में 100 रेज टू पावर t, क्योंकि टाइम 1 ईयर है तो इसलिए इसको 1 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे आर वन, और यहाँ पर लिखेंगे आर टू, बीच में ये किसका सिंबल है, इक्वल टू का। और सेकंड ईयर ये डिक्रीज हो रही है तो इसलिए 1 माइनस आर टू अपॉन में 100, और टाइम 1 ईयर है उसको लिखेंगे नहीं। तो पी हमारे पास दे रखा है 72,000 इंटू 1 प्लस 7 अपॉन में 100, ये 7 है यहाँ पे, और ये हो जाएगी 1 माइनस 5 अपॉन में 100, कैंसिल होता तो कैंसिल कर देंगे इसको, कैंसिल तो नहीं हो रहा, ये 72,000, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 107 अपॉन में 100, और ये कैंसिल हो रहा है, ये 1 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा, 21 टाइम 20 माइनस 1 19 अपॉन में 20। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से ये 36 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 107 को 107 को 19 से मल्टीपल कर लो, ये 63 और ये 9 आ जाएगा और ये 107 आ गया, 3302। अब इसको किससे मल्टीपल कर दें हम, 36 से, इसको 36 से मल्टीपल कर दो, 6 3 जा 18 और 1 19, 6 2 जा 12, और 3 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 9, और ये भी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 9 0, और ये 6, और ये आ गया 8 8 0 और 1, और ये 3 और ये 7।
तो 73,188 आ गया। देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर 2 ईयर्स इक्वल टू रुपीज 73,188 आंसर। और जो आपने मल्टीपल किए इसको क्लाउड में डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 64,000 इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 10.7% एंड द एनुअल डेथ रेट इज 3.2%, कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। अब इसमें जो प्रेजेंट दे रखी है इसका हम लिखेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन, ऑफ टाउन इक्वल टू 64,000। अब इसने एक ही साल की दो रेट दे रखी हैं, ये एनुअल बर्थ रेट है, एनुअल बर्थ रेट इक्वल टू 10.7% पर एनम है, और दूसरी जो है एनुअल डेथ रेट होगी, ये होगी डेथ रेट 3.2% पर एनम। तो देखो इतने जन्म लेते हैं और इतनों की जो है डेथ हो जाती है, तो ग्रोथ कितनी हुई, तो अभी यहाँ पर लिखेंगे हम ग्रोथ, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा बर्थ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, दोनों का आप डिफरेंस कर दो, बर्थ रेट इज 10.7% माइनस डेथ रेट इज 3.2%, और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 7.5% पर एनम ये हमारे पास रेट आ गई, आर आ गई। और टाइम कितना दे रखे हैं, टाइम दे रखे हैं 3 ईयर, यानी कि इस साल एक साल में इतने की तो जन्म होता है और इतने की मृत्यु हो जाती है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ग्रोथ हो जाएगी, वो ग्रोथ, और ग्रोथ का मतलब उसमें प्लस का सिंबल आएगा। देयरफॉर पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आएगा यहाँ पर आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी, और अब इनकी वैल्यू रख दो, पॉपुलेशन इज 64,000 इंटू वन प्लस आर इज 7.5 अपॉन 100, और जो इसका पॉइंट लगा इसका नीचे 10 आ जाएगा, और टाइम कितना हमारे पास 3 है, इसको कट कर दो, 25 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 25 थ्री टाइम और 25 फोर टाइम, तो ये हो जाएगा 64,000 इंटू ये 40 बन जा 40 प्लस 3 यानी कि 43 अपॉन में 40 और 43 अपॉन में 40 और 43 अपॉन में 40 ये आ गया। अब हमारे पास जो है ये 3 जीरो तो कैंसिल हो गई हैं, 1, 2, 3 ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 से 64 कैंसिल होकर के 16 आ गया, इस 4 से कैंसिल होकर के ये 4 आ गया, और ये ध्यान रखना आपने कभी भी इसको हम साइड में नहीं लिखते कैंसिल करके, इसको ऊपर की तरफ लिखते हैं, और आप पहले से ही मार्जिन लेके चले, देखो मैंने पहले ही मार्जिन लेके चला कि भाई आप कैंसिल करनी पड़ सकती है, तो इतना मार्जिन आप लेके चलें, ठीक है, कभी भी इसको साइड में नहीं लिखते 4 से 1। और 43 इंटू 43 इंटू 43 अगर हम इन तीनों को मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 79,507। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर पॉपुलेशन LTION आफ्टर 3 ईयर्स इक्वल टू 79,507 आंसर। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक्स वॉज 40,000 इन अ पार्टिकुलर ईयर विच रोज टू 48,400 इन 2 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम इफ़ इट वॉज यूनिफॉर्म ड्यूरिंग 2 ईयर्स।
यानी कि जो प्रोडक्शन थी, इनिशियल प्रोडक्शन, इसको हम लिखेंगे इनिशियल प्रोडक्शन। ऑफ मोटर बाइक इक्वल टू 40,000। ये हमारे पास पी का काम करेगा, प्रिंसिपल पी। और ये है प्रोडक्शन आफ्टर टू ईयर, प्रोडक्शन आफ्टर टू ईयर, यानी कि ये ए का काम करेगा, ये हो जाएगा 48,400। और टाइम दे रखा है टू ईयर्स। और रेट ऑफ ग्रोथ ये हमने बतानी है क्या है, तो इसको हमने आर परसेंट पर एनम मान लिया। ये जो है आर परसेंट पर एनम है। अब जो फार्मूला क्या बनेगा, इसको लिखेंगे यहाँ पर, वो तो लिखेंगे नहीं ए पी, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्शन आफ्टर टू ईयर इक्वल टू इनिशियल प्रोडक्शन। इंटू 1+R/100 रेज टू पावर टी, और टी का मतलब कितना है 2। अब इनकी सब की वैल्यू रख दो, यहाँ पर तो हम लिखेंगे 48,400, ये 2 साल के बाद की प्रोडक्शन है, और इनिशियल प्रोडक्शन थी हमारी 40,000, और 1+R/100, आर हमने निकालनी है और टाइम 2 ईयर दे रखे है। अब ये आपका वो क्वेश्चन बन गया जिसमें हमने रेट निकालनी थी। ये 48,000 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, 48,400 अपॉन में 40,000, और इक्वल टू 1+R/100 रेज टू पावर 2। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 4 से ये 121 आ गया और 4 से ये 100 आ गया। अब इधर ये स्क्वायर है, तो अब हमने ये देखना है कि ये 121 किसका स्क्वायर है और 100 किसका स्क्वायर है। इसको अब हम लिख सकते हैं 11/10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 10 का, तो 11/10 होल स्क्वायर, तो 1+R/100 रेज टू पावर 2। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो वो रूल है कि व्हेन द एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, बेसिस मस्ट बी इक्वल इन द केस ऑफ इक्वलिटी। ये केस ऑफ इक्वलिटी को क्या, और एक्सपोनेंट इक्वल हैं, तो इसका मतलब दोनों के बेस भी इक्वल हो जाएंगे। 11/10 इक्वल टू 1+R/100। अब हम इस 1 को इधर ले आएंगे, 11/10-1 इक्वल टू R/100, तो एलसीएम लेंगे इसका, 10 एलसीएम आ जाएगा, 11-10 आ जाएगा, तो 11-10 करेंगे तो यह आ जाएगा 1/10। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 11-10 1/10, और जो ये इधर 100 है इसकी इधर मल्टीपल कर देंगे, तो इक्वल टू आर, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू आर। देयरफॉर रेट ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू 10% पर एनम आंसर। This is the end of worksheet 4. Okay. Thank you all of you.